क्या कहना चाहोगे आप जब तुलसी आर्ट गैलरी में आपने एंट्री किया तो क्या फील किया? बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग थी एंड इट वाज अ रियली अमेजिंग फीलिंग सीइंग ऑल दीज अमेजिंग पोर्ट्रेट्स एंड इट जस्ट फेल्ट रियली गुड. क्या किस तरह लगता है जब आप अगर बात करें भगवान में या इन सब पे कितना बिलीव है और कितना मंदिर एंड ऑल जाना पसंद करते हैं और जब यहाँ पर आपने बहुत सारी फोटोज देखी है भगवान की, लेकिन आपको ऐसा कौन सा बहुत अट्रैक्ट किया और आपको लगा कि हाँ मतलब बोलते ना एक देख के हाँ कुछ ऐसा कौन सी फोटो देख के आपको ऐसी यही स्टार्टिंग में वो एक पोर्ट्रेट है हनुमान जी की, वो मुझे एकदम फेवरेट लगी और उसमें से बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी. आपने छोटे भीम जिस तरह से मूवी आने के बाद लोगों में काफी और बच्चे आपको देखकर दौड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है जब एक मूवी आपके पास आती है और उसे इतनी ज्यादा सक्सेस मिलती है? अच्छा फील होता है बहुत ज्यादा और खासकर इस मैग्नीट्यूड की जो फिल्म है जो छोटा भीम है, सो बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग आती है और मैं पहले से ही छोटा भीम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ तो छोटा भीम आने पर तो और भी ज्यादा खुशी हुई थी. तो आगे किस तरह की तैयारी है और भी फिल्मों को लेकर और किस तरह के फिल्में करना पसंद करते हैं और खासकर बॉलीवुड का ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके साथ यह काम करना चाहते हैं? एक्शन फिल्म अच्छी लगती है बहुत क्योंकि अब छोटा भीम से एक्शन सीन्स की आदत पड़ गई है अब, बट मैं ऋतिक रोशन सर के साथ काम करना चाहूंगा एक बार जरूर. अभी अपकमिंग कोई आपके और भी प्रोजेक्ट है जो लोगों में आने वाली है? नहीं अभी तो मैं पढ़ाई पे फोकस है. और एक्टिंग पे फोकस नहीं है अभी? नहीं एक्टिंग पे भी है बट अभी पढ़ाई चल रही है, जब आएगा कोई ऑफर तो फिर देख. और बच्चे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके फैंस हैं? मुझे लगता है आपको देख के जिस तरह से वो दौड़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपके नाम से नहीं बल्कि छोटा भीम के नाम से आपको जाने लगे. तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप भी छोटा भीम की तरह ही कभी भी गिव अप मत करना, ऑलवेज वर्क हार्ड और जो भी आपके गोल्स आए होप आप सब उन्हें अचीव कर पाए. यस जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज यश जी यहाँ आपके तुलसी आर्ट गैलरी में पहुंचे और आपने उन्हें ठाकुर जी भी भेंट किया, क्या सोचकर भेंट किया और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री कृष्ण. तुलसी आर्ट हर बार इंडस्ट्री हो अभिनेता और कोई भी हो उभरते हुए सितारों के लिए तो हरदम आगे रहेगा. और यज्ञ भैया का तो छोटा भीम देखते ही हमको ऐसा लगा कि नहीं ये किरदार ऐसा निभाया कि अब आने वाले कोई भी छोटा भीम इनके बराबर ही नहीं हो सकता है और बहुत ही अच्छा उनका रोल हुआ. और चाहता हूँ कि इनके भविष्य में और भी फिल्में इसी टाइप की बनती बनाते रहे, छोटा भीम जैसे बहुत सारी फिल्मों में इनको काम मिले और बहुत खुशी मिली आज भैया यहाँ पे आए. और हमारे इनके पिताजी दीपक भैया हमारे खास मित्र हैं, उनका बहुत ही आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर भी और तुलसी आर्ट के ऊपर भी कि आज ये कि यहाँ आए, बहुत बहुत खुशी मिली है. एक मिनट सर, आपसे ये सवाल है, जो तुलसी आर्ट में आप आया और फैंस लोग काफी जानते हैं, पिक्चर बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो तुलसी आर्ट में लोग आए जो नहीं आना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस और इस प्लेस से बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब मिलती है. तो मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि आपको कभी भी कोई भी गिफ्ट देना हो किसी को भी, सो आई रेकमेंड तुलसी आर्ट गैलरी फॉर दिस टू अस बिकॉज यहाँ पे जो सनातन धर्म के रिलेटेड जो पोर्ट्रेट्स हैं दीज आर जस्ट फैबुलस एंड दे विल मेक फैबुलस गिफ्ट्स. सर यस जी, मैं आपको जानना चाहता हूँ जो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना चाहे कि आजकल थिएटर का जमाना है सर, एक्चुअली अपनी गैलरी यहाँ पर कांदीवली में है जो 14 साल से है. एक्चुअली ऑनलाइन पोर्टल तो हमारा तुलसी आर्ट डॉट इन है और तुलसी आर्ट गैलरी के इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, पर जितना देखने के बाद जो वाइब बनती है उसके लिए आप प्लीज मैं सभी से कहना चाहूंगा आप एक बार तुलसी आर्ट विजिट कीजिए जो कांदीवली में है, SV रोड पर मजीठिया नगर में. बाकी मेरा कैप्शन मेरा नंबर होगा ही, आप उन उसके थ्रू यहाँ से कुछ भी अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए सब भगवान की फोटोज आप यहाँ से ले सकते हैं. कितना से स्टार्ट होता है, कुछ डिस्काउंट भी है इसका क्या? सर डिस्काउंट तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब मत करिए.